हेलो दोस्तों, टेलीग्राम पर मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग के साथ एक एप्लीकेशन का लिंक शेयर किया जिसका नाम है स्वीट क्वाइन। इस एप्लीकेशन में आप स्वीट क्वाइन को माइन कर सकते हैं और ये क्वाइन कल ही के दिन बहुत सारे एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ है। 5 बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ये क्वाइन लिस्ट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिटफिनिक्स, ओकीएक्स, एफटीएक्स, कुकॉइन और बायबिट, इन सारे एक्सचेंजेस पर ये क्वाइन लिस्ट हो चुका है कल ही। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्वीट क्वाइन प्राइस देख सकते हैं $0.8, लगातार इसकी प्राइस बढ़ती ही जा रही है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं ओकीएक्स एक्सचेंज पर, इसके अलावा आप कुकॉइन पर भी देख सकते हैं, एफटीएक्स एक्सचेंज पर भी देख सकते हैं और बिटफिनिक्स पर भी देख सकते हैं। इन सारे बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ये क्वाइन लिस्ट हो चुका है और अभी भी इस एप्लीकेशन में उसी तरीके से माइनिंग चल रही है जिस तरीके से लिस्टिंग से पहले इस क्वाइन की माइनिंग होती थी, वही स्पीड से अभी भी आप इस क्वाइन को माइन कर सकते हैं और आसानी से आप विड्रॉ भी ले सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे, किस तरीके से आपको इस क्वाइन को माइन करना है, कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपको विड्रॉ लेना है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। पूरे डिटेल में A to Z इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझ ले। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है स्वीट क्वाइन, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब मैंने जितने भी प्रोसेस किए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके की थी ताकि हम आपको सारी चीजें दिखा सके और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर एक्सेप्ट इनवाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर पे चले आएंगे और यहां से आपको स्वीट क्वाइन को डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही डाउनलोड हो जाए उसके बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर थोड़ा सा आपको वेट करना हो सकता है, लोडिंग लेने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए। अब यहां पर आपको साइन अप विद गूगल पे क्लिक करना है। अब आपको यहां पर अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी अकाउंट से, जिस भी जीमेल आईडी से आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन रहेगा, वहां पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा यहां पर आपको वेट कर लेना है। अब यहां पर एक्स फिजिकल एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जो चीज हम आपको बता रहे वही चीज है आपको भी करनी है। एक्स फिजिकल एक्टिविटी अलाउ यहां पर कर देना है। अब यहां पर इनेबल गूगल फिट पे आपको क्लिक करना है। इनेबल गूगल फिट इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। आपके गूगल अकाउंट का एक्सेस मांगेगा और उसके बाद अलाउ स्टेप काउंटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां से भी आपको अलाउ कर देना है। अब यहां पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ये पूरा प्रोसेस है अकाउंट क्रिएट करने का और जो चीजें मैंने आपको बताई है एग्जैक्ट वही चीज आपको करना है। अगर एक भी स्टेप आप मिस करते हैं तो आपका अकाउंट सही से क्रिएट नहीं हो पाएगा और अगर क्रिएट हो भी गया तो आप क्वाइन को यहां से अर्न नहीं कर सकते। अब यहां पर आगे का प्रोसेस समझते हैं। अब आगे आपको क्या करना है, वीडियो को प्ले करते हैं। अब यहां पर आपको क्लोज कर देना और आपको स्वीट वॉलेट को डाउनलोड कर लेना है। इसका खुद का वॉलेट है स्वीट वॉलेट। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर लॉगिन विद स्वीट क्वाइन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर थोड़ा सा वेट करना, देखिए यहां पर ओपीटी इंटू क्रिप्टो इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। अब यहां पर गेट योर वॉलेट पे क्लिक करना है। यहां पर ऊपर में आपका ईमेल रहेगा, यहां पर दोनों बॉक्स में टिक करके सेंड मी कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आई अंडरस्टैंड। अब आपके जीमेल पर एक कोड गया होगा, आपके जीमेल पर एक कोड जाएगा, वो कोड किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं है, ना ही वो ईमेल। जो ईमेल आएगा, जिस ईमेल में कोड आएगा वो ईमेल आपको सेफ रखना है, किसी भी तरीके से उसको डिलीट नहीं करना है। अब वहां पर जो कोड रहेगा वो कोड यहां पर आपको फिल कर देना है। कोड को फिल करने के बाद यहां पर आपको ऊपर में कट का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर आपको क्लिक करके कट कर देना। अब देखिए कट करने के बाद वापस से आपको स्वीट वॉलेट को ओपन करना है और यहां पर लॉग इन विद स्वीट क्वाइन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर अप्रूव लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहां पर लॉगिन नहीं हो पाएगा। ऊपर में लिखा है वॉक अ बिट मोर ऑन स्विट क्वाइन टू एक्टिवेट अकाउंट। इसका मतलब यह है कि कुछ क्वाइन को यहां पर अर्न करना पड़ेगा, यानी कि कुछ वॉक करके यहां पर अगर क्वाइन को अर्न करना है तो वॉक करना पड़ेगा। तो हमें यहां पर कुछ स्विट क्वाइन को अर्न करना पड़ेगा, उसके बाद ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे आप कुछ स्विट क्वाइन को अर्न कर लेंगे उसके बाद यहां पर लॉगिन विद स्विट क्वाइन, उसके बाद अप्रूवल दे देना है, आसानी से आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा और जितना भी क्वाइन आप अर्न करेंगे आपके स्विट वॉलेट में आएगा और यहां से आप विड्रॉ कर सकेंगे। तो अब समझते हैं कि किस तरीके से हमें स्वीट क्वाइन को अर्न करना है, किस तरीके से वॉक करना है, ये सारा कुछ कैसे करना है। लेकिन जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है ये सारा कंप्लीट करने के बाद ही आपको क्वाइन अर्न करना है। अब देखिए यहां पर एक और चीज आप लोग देख ले, यहां पर स्वीट क्वाइन जो लेफ्ट साइड है वो स्वीट क्वाइन और जो राइट साइड है वो है स्वीट वॉलेट। तो ये दोनों एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। स्वीट क्वाइन में हम लोग स्वीट क्वाइन को माइन करेंगे और स्वीट वॉलेट में हम लोग क्वाइन को विड्रॉ कर सकेंगे। अब यहां पर स्वीट क्वाइन को हम लोग ओपन करते हैं और यहां पर समझते हैं किस तरीके से हमें क्वाइन को अर्न करना है। सबसे पहले चीज यहां पर आप लोग देख सकते हैं बीच में यहां पर लिखा हुआ है 1000 स्टेप्स जनरेटेड वन स्वीट क्वाइन मींस 5% प्रोसेसिंग फी, वी डोंट एक्सेप्ट बम एंड शेकिंग। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि आपको 1000 स्टेप चलने पड़ेंगे जिसका आपको एक स्वीट क्वाइन मिलेगा और उसमें से 5% प्रोसेसिंग फी में आपका कट जाएगा। और यहां पर आपको शेक नहीं करना है, जैसा कि मोबाइल शेक जैसे हम लोग चलते हैं वैसे शेक नहीं करना है और ना ही आपको बम्प्स इस तरीके का कुछ करना है। लेकिन आप घर ही में थोड़ा बहुत चलते हैं तो इससे भी स्टेप आसानी से काउंट हो जाएगा। तो आप 1000 स्टेप आसानी से काउंट कर सकते हैं। अब यहां पर और भी बाकी सारी चीजें वो समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर ओपन योर वॉलेट है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हम लोगों ने वॉलेट डाउनलोड किया था ये वाला स्वीट वॉलेट, इसमें आप चले आएंगे और यहां से दिख रहा है लॉग इन विद स्वीट क्वाइन, यहां से आपको क्लिक करना है और वापस यहां अप्रूव लॉग इन पे क्लिक करना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा अभी नहीं हो पाएगा जब तक कि हम लोग वॉक नहीं कर लेते। देखिए यहां पर मैंने कुछ वॉक किया है लेकिन जब तक 1000-2000 वॉक कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहां पर हम लोग का जो वॉलेट है वो अप्रूव नहीं हो पाएगा, यानी कि इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब यहां पर ऊपर में स्क्रॉल करना है, यहां पर आपको दिख जाएगा इनवाइट अ फ्रेंड गेट 5 स्वीट क्वाइन, अगर आप एक फ्रेंड को रेफर करते हैं तो आपको 5 स्वीट क्वाइन मिलेगा। अब यहां पर देखिए एक और ऑप्शन है ओपन 2x बूस्ट, यहां पर अगर आप इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो एक ऐड दिखेगा और 20 मिनट के लिए जितना भी स्टेप आप चलेंगे, मान लीजिए 1000 स्टेप आप चले तो उसके बदले आपको 2 स्वीट क्वाइन मिलेंगे, यानी कि डबल रिवॉर्ड यहां से आपको मिलेगा 20 मिनट के लिए। उसके बाद यहां पर नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको डेली रिवॉर्ड दिख रहा है, यहां पर आपको 3 बॉक्स दिखेंगे, तीनों बॉक्स पे आपको क्लिक करना है बारी बारी से, एक ऐड दिखेगा और उसके बदले आपको स्वीट क्वाइन यहां पर मिलेगा, वो भी 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो आपको इसको भी यूज जरूर करना है। और हाँ एक और चीज, जैसे ही आप स्टेप चलते हैं, स्टेप आपने जितना भी चला तो आपको डेली ये रिवॉर्ड क्लेम करना ही है, डेली आपको ये रिवॉर्ड क्लेम करना है। जितना भी रिवॉर्ड यहां पर आप क्लेम करेंगे वो सारा रिवॉर्ड आपके स्वीट क्वाइन वॉलेट में ऐड होता जाएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें और भी दी हुई है लेकिन ये सारा आपको अगर बाय करना है स्वीट क्वाइन से तो ये सारा कुछ, तो ये हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर आपको दिख रहा है वॉलेट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है यू आर वॉकिंग फॉर क्रिप्टो, इस पर क्लिक करना है। देखिए 5000 स्टेप्स जैसे आप कंप्लीट होंगे तो आपका जितना भी क्वाइन यहां पर बनेगा वो सारा आपका स्वीट वॉलेट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप 1000 स्टेप चलेंगे आपका एक स्वीट क्वाइन बनेगा तो एक स्वीट क्वाइन आपके स्वीट वॉलेट में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 5000 स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो क्वाइन है वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें है तो हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आप सारे लोग माइनिंग इसमें स्टार्ट करें क्योंकि इसमें से आपको क्वाइन माइन करना है और उसके बाद ये जो स्वीट वॉलेट है इसमें आपको विड्रॉ कर लेना है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि क्वाइन को अर्न करने से पहले आपको जो भी प्रोसेस मैंने बताई वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको यहां पर क्वाइन को अर्न करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू है या किसी भी तरीके की कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपको दोबारा से सारी चीजें बता देंगे। और आप सारे लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।